टेंटन आया। आज हम मैगी का स्पेशल मसाला स्पाइसी यमी नूडल्स बनाने वाले हैं और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं स्मार्ट बाज़ार गई और मुझे ये पैकेट मिली मैगी की, तो मुझे इसकी पैकेजिंग वगैरह तो बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे बनाकर देखूँ और इसके टेस्ट कैसा है, क्योंकि स्पाइसी इसमें लिखा हुआ था तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी और बहुत अच्छा फ्लेवर होगा इसका। और फिर मैंने फटाफट पैन में पानी गरम किया और जैसे ही पानी में बबल्स आने लगे वैसे ही मैंने ये नूडल्स को पैन में दे दिया और ये देख सकते हो सारे नूडल्स को हम ऐसे ही तोड़ तोड़ के इसमें पैन में अच्छी तरीके से दे देंगे। तो गाइज हमने नूडल्स को अच्छी तरीके से इसमें डिप कर दिया है पानी के अंदर, पानी और डालेगा और जब तक बबल्स आए तब तक हम वेट करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हमारा मैगी जल्दी जल्दी बन जाए इसलिए मैंने ये ढक्कन से इसे ढक दिया था ताकि हमारा मैगी जल्दी जल्दी से बन जाए। और ये इसमें से 4 टेस्ट मेकर मिली थी और चारों टेस्ट मेकर को हमें इसमें डालना है और तभी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें टेस्ट आएगी। तो मैंने सारे पैकेजिंग को खोल के एक एक करके सारे टेस्ट मेकर को इसमें डाल दिया, क्योंकि इस मैगी के पैकेट के अंदर 4 पैकेट मिली मुझे और तो मैंने सारे का बना लिया, इसलिए मैंने सारे पैकेट इसमें डाल दिए, क्योंकि इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं था, चारों पैकेट डालेंगे तभी इसमें अच्छी तरीके से टेस्ट आएगा। तो मैंने चारों पैकेट इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, तो आपको भी बस ऐसे ही सारे पैकेट को डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आए हाय, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और अब हम इसे खाकर बताएंगे कि खाने में कैसी है। बस देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी लगती है, तो अब हम इसे खा के भी बताएंगे। तो आप लोग वेट कीजिए, अब हम लोग खा के बताएंगे। टैंटन एंड सारी मैगी को हम लोग डाल दिए हैं एक प्लेट में। तो गाइज़ हमने इसे खाकर देखा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत स्पाइसी, मैगी से ज़्यादा स्पाइसी है, मैगी से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट इसकी बहुत अच्छी है। गाइज़ ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन में क्लिक कर देना, ताकि हम ऐसे ही मोर इंटरेस्ट